वंस अगेन वेलकम बैक ऑन योर चैनल स्टेट टॉक। तो आप देख सकते हैं खूबसूरत सेंट्रल पार्क और बच्चों के प्रॉपर झूले यहाँ पे लगे हुए हैं। किड्स प्लेइंग एरिया है सामने आपका, बैडमिंटन का कोर्ट और कई कई एमिटीज़ हैं। चारों तरफ मेरे कंस्ट्रक्शन और हो रहा है विलास का, रो हाउसेस बना रहे हैं लोग और कुछ बन चुके हैं। तो अभी हम आए हुए हैं रायबली रूट पर आए हुए हैं दोस्तों, आउटर रिंग रोड के नीरेस्ट में ही एक टाउनशिप है जिसका कि हम लगातार आपको कंस्ट्रक्शन अपडेट देते रहते हैं। तो वहीं पे कुछ विलास में काम आगे कितना क्या हो गया है इसको जानने के लिए आए हुए हैं। तो हमारे साथ इस चीज़ को ब्रीफ करने के लिए प्रोजेक्ट को एक बार फिर से संदीप जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टेट टॉक में। सर हम कंस्ट्रक्शन अपडेट पर तो जाएंगे ही, साथ में पहले थोड़ा सा लोकेशन में जान लेता हूँ। प्रोजेक्ट का नाम मुझे बता दीजिए। प्रोजेक्ट का नाम आप देखें तो ये एपीएम होम्स के नाम से है। ओके, अप्रूवल की बात करें सर, क्या क्या अप्रूवल्स हैं, अथॉरिटी कौन सी आपके एलडीए से अप्रूव्ड है ये प्रोजेक्ट, 10.5 एकड़ की टाउनशिप है। ओके, और बैंक की अगर बात करें तो एसबीआई से अप्रूव्ड है पूरा प्रोजेक्ट। लोकेशन से इसका थोड़ा थोड़ा हमारे कस्टमर को बताइए। लोकेशन की बात करें तो ये आप क्या लैंडमार्क पकड़ के चलें ताकि यहाँ तक आ सकें। लैंडमार्क आप ये अगर देखते हैं तो आपने रायबरेली रोड पे बीसीसी ग्रीन देखा होगा। आउटर रिंग रोड ही पड़ता है यहाँ पर। हाँ, और कोई रायबली रोड मोहनलालगंज, रायबली रोड से आ रहा तो मोहनलालगंज करने के बाद बीसीसी हाइट्स के पास पड़ेगा। मेन रोड से कितने दूरी पर ही टाउन? मेन रोड से ये हार्डली आपका 600 मीटर होगा, 500 से 600 मीटर। हाँ, 600 से 800 समथिंग कुछ ऐसे लग रहा जब मैं आया था। तो ये बताइए सर, कंस्ट्रक्शन अपडेट तो अभी हम देखते हैं, आइए। इसके अलावा कोई नया बायर है अगर लेना चाहता है तो उसके लिए क्या ऑप्शन आपके यहाँ रो हाउसेस के हैं? अभी रो हाउस के जो ऑप्शन देख रहे हैं आप, हमारे पास अभी यहाँ दो ही अवेलेबल हैं। अच्छा, और हमारे पूरा सोल्ड आउट है। एक जिसमें से आप अगर स्टार्टिंग का देखते हैं जो आपका बाहर प्लास्टर हो चुका है, एक वो भी अवेलेबल है हमारे पास और एक पार्क फेसिंग में है। और क्या प्लॉट एरिया है सर उनका? प्लॉट एरिया जो यहाँ आ रहा है आपका 1000 स्क्वायर फीट है। ओके, डायमेंशन की बात करें तो 20x50 का है। 2 BHK है या 3 BHK? 3 BHK है, डुप्लेक्स बना दी कंपनी। रोड विला के बाद रोड की कितनी चौड़ाई है? रोड के अगर विला के बाद देखते हैं नाली छोड़ के तो आपके 22 फुट की है। 22 फीट के आसपास है, ठीक है। टाउनशिप के अंदर मेन रोड क्या है सर, कितनी कितनी? टाउनशिप के अंदर वही आपके जो एलडी के नॉर्म्स होते हैं 9 मीटर 7.5 मीटर। अच्छा, उसी नॉर्म्स पे है ये पूरा। मेन रोड तो आपका 50-60 फीट का होगा। हाँ, मेन रोड आपको 50-60 का है और टोटल 2-3 एंट्री दी गई है इसमें। ओके, सोसाइटी के अंदर के लिए। तो ये आपका फ्रंट है रो हाउस का ना सर? हाँ, ये फ्रंट ऑफ ये गेट आपका बन रहा है यहाँ पर। हाँ, यहाँ से गेट बनेगा और यहाँ तक गेट रहेगा, आगे तक वो वहाँ तक है ना सर? हाँ, ये जो आप सेकंड फ्लोर उधर से सेकंड, वो जो दो मकान हैं बने हुए हैं, फैमिलीज रहती हैं ना सर? हाँ, उसमें फैमिली है, आ गई है। तो लाइन से ये रो हाउसेस बन रहे हैं। 1000 प्लॉट एरिया की एलडीए अप्रूव्ड प्रॉपर्टी है और सामने एलडीए का बोर्ड भी लगा हुआ है। तो अलग अलग रो हाउसेस के अलग अलग आपको अप्रूवल्स हैं। तो थोड़ा सा ब्रीफ करें सर, कैसे क्या आप दे रहे हैं, थोड़ा आप आगे आएंगे। जैसा आप ये देख रहे हैं ये हमारा मेन गेट आएगा जी। इसके बाद जो आप स्पेस देख रहे हैं 3-3.5 फुट का ये ग्रीन एरिया रहेगा आपका, ठीक है। जैसा आप सामने देख रहे हैं 4 फीट का ग्रीन एरिया, फिर ये आपकी रोड आ जाएगी, फिर इसमें आपका ड्रेनेज है दिया गया है प्रॉपर जी। गेट के बाद एंटर करते हैं तो ये आपकी पार्किंग आ जाती है, ये पोर्च एरिया आ गया जिसमें आपके आराम से एक्सयूवी गाड़ी आराम से खड़ी हो जाएगी। ओके, और ये साइड में आप देखते हैं थोड़ा सा ग्रीन एरिया अंदर भी दे रखा है, छोटा सा ग्रीन एरिया रहेगा यहाँ पर। अब हम रो हाउस के अंदर जा रहे हैं। रो हाउस के अंदर आप देखते हैं तो यहाँ से हमारा स्टार्टिंग होता है, एंट्रेंस आप यहाँ से दे रहे हैं। हाँ, एंट्रेंस यहाँ से रहेगा और इस पर्टिकुलर रो हाउस में एंट्रेंस यहाँ से भी है। हाँ, ये पर्टिकुलर इसी के लिए दिया गया है रो हाउस। अच्छा, इनके डिमांड थी। हाँ, ठीक है। जब हम गेट से एंटर करते हैं ये हमारा लिविंग एरिया आ जाता है। फ्रेंड मैं डिस्क्लेमर कर दूँ कि ये भी थोड़ा सा रोशनी नहीं है तो प्रॉपर शायद आपको ना दिखे, बट काम चल रहा है। लेआउट मेन होता है किसी मकान का या प्रॉपर्टी, फ्लैट आप ले रहे हैं तो आप लेआउट को समझें। थोड़ा सा काम चल रहा है, चीज़ें बिखरी हुई हैं, धीरे धीरे फिनिश होगा तो फिनिश भी आपको दिखाएंगे। तो सर जैसे आपने बताया आपका ड्राइंग आ जाएगा। हाँ, ड्राइंग एरिया हो जाएगा ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका ड्राइंग शेप में ड्राइंग आ जाएगा। ड्राइंग के ठीक सामने आप देखते हैं तो ये हमारा डाइनिंग एरिया है। डाइनिंग एरिया, डाइनिंग एरिया में डबल हाइट एंटर दे रखी, डबल हाइट की दे रखी है सीलिंग। अच्छा, ऊपर तक जस्ट आपके अंदर बेडरूम में या लिविंग एरिया में तो ऊपर से भी देख सकते हैं। और ये आपका किचन, सामने आपका किचन आ जाता है। अच्छा साइज है किचन का, वेंटिलेशन के लिए आपने प्रॉपर एक बड़ी सी विंडो दी है और अभी स्लैब का काम यहाँ पे बाकी है। तो विला में क्या क्या काम हो चुका है सर वैसे मोटा मोटी? अगर विला के अंदर हम देखें तो हमारा 70% हो चुका है काम। जैसे 70% में वायरिंग करके बात करें तो हमारा प्लास्टर हो चुका है, चौखट हो चुकी है, जैसे आप देख रही है आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड
अच्छा, अंदर की वायरिंग पाइपिंग सब लग चुकी हैं और आपका सैनिटरी का सारा फिटिंग हो चुका है, काम हो चुका है, प्लास्टर हो चुका है और आपने वाइट पुट्टी भी करनी शुरू कर दी है। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है। ओके, अटैच वॉशरूम और ये आपका, ये ओटीएस है, ओटीएस आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये ओटीएस हो जाएगा, यहाँ पे अटैच वॉशरूम हो जाएगा, बड़ा साइज है वॉशरूम का, 3 बेडरूम 3 वॉशरूम, नीचे एक बेडरूम हो जाएगा। मैं साइज आपको दिखाता हूँ बेडरूम का। चैनल पर तब तक आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें इसी तरह के वीडियोस के लिए, और बहुत जल्द मैं नए नए प्रोजेक्ट्स जो अभी लॉन्च हो रहे हैं वो भी आपको दिखाने वाला हूँ, तो आप बने रहें। बेडरूम के साइज को देखें, अच्छा बेडरूम का साइज है। नीचे हमने देख लिया, एंटर हम करते हैं स्ट्रेट से तो ये ड्राइंग, डाइनिंग, वहाँ पे किचन और यहाँ पे बेडरूम विद अटैच वॉशरूम, पीछे ओटीएस। अब हम चलेंगे ऊपर की तरफ, तो सर चलते हैं ऊपर की तरफ। जब फर्स्ट बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं तो ये थोड़ा सा आपको स्पेस मिल जाता है जी, तो यहाँ भी कुछ चीजें हम रख सकते हैं। तो फ्रेंड हम चलते हैं, तो यहाँ पे बड़ा अच्छा एलिवेशन यहाँ पे दिया गया है, प्रॉपर लाइट और एयर आपकी यहाँ से आएगी और देखने में भी बड़ा खूबसूरत अच्छा लग रहा है। स्टेज से हम ऊपर चले जाते हैं, अपर लिविंग का स्पेस यहाँ पे मिल जाता है, ये भी आपका एक छोटा सा लिविंग एरिया आ जाता है। हाँ, अपर लिविंग एरिया आ जाएगा आपका ये, और यहाँ पर भी आपने चौखट आप लगा दी है। हाँ, ऊपर का भी हमारा 70% वर्क हो चुका है। ये आपका सेकंड बेडरूम है और इसके साथ आपके यहाँ पे अटैच वॉशरूम है। वॉशरूम का साइज काफी अच्छा बड़ा दिया है आपने, काफी स्पेसियस है। हाँ, और सामने आपकी बालकनी आ जाती है, ये आपकी बालकनी आ गई और काफी खूबसूरत डिजाइन वाली ईटें आप यूज कर रहे हैं, वो सेंट्रल पार्क हो गया दोस्तों आपका। तो चलते चलते मैं आपको बेडरूम का साइज दिखाता, चलो अच्छा साइज है बेडरूम का। अगर आप भी देख रहे हैं खूबसूरत एलडी अप्रूव ग्रो हाउस तो काफी अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। ये हमारा थर्ड बेडरूम है अटैच वॉशरूम के साथ, थर्ड बेडरूम विद अटैच वॉशरूम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ भी चौखट का काम हो चुका है, यहाँ पर आकर प्लस्टर हो गया है, पुट्टी का काम हो रहा है, इलेक्ट्रिक बोर्ड्स ये सब लगा दिए गए। ये आपका ओटीएस है जो नीचे आपने देखा था ऊपर तक जाता है। फिर यहाँ पे हम आते हैं, ये आपका टेरेस रखा है, अटैच वॉशरूम और ये बैक आपका टेरेस हो जाएगा, और पीछे आपको खूबसूरत व्यू नजर आता है, वो ओपन ग्रीन एरिया है। ये आपका ओवरहेड टैंक और भी कुछ पार्क आपको यहाँ पे कहीं देखने को मिल जाते हैं। आइए चलते हैं सर से नीचे पार्क देखते हुए रेट की बात करते हैं। तो सर जैसे कि हमने रो हाउस का कंस्ट्रक्शन अपडेट देखा और सामने हम देख रहे हैं ओपन ग्रीन एरिया है, इस तरफ ओवरहेड टैंक और इस तरफ भी आपकी रेड गेट मिलती है इस रूट से जाने पर। तो सर अगर हम प्राइस की बात करें तो क्या प्राइस अभी चल रहा है रो हाउस का? प्राइस की अगर बात करें जो हमारे पास अवेलेबल है वो 75 लाख से हैगा। 75 लाख से स्टार्ट हो रही है। कोई पार फेसिंग लेना चाहता है तो सर उस पर 10% PLC है। PLC तो 75 लाख ऑनवर्ड्स ये प्रॉपर्टी यहाँ पे आती है जो कि LD अप्रूव्ड है, सरकारी बैंकों से अप्रूव्ड है, इस तरह से गेटेड टाउनशिप है ना सर? हाँ जी। कुछ प्लॉट का ऑप्शन भी मिल सकते हैं कस्टमर्स को? हाँ, रीसेल में हमारे पास आते रहते हैं, रीसेल में प्लॉट के ऑप्शंस आते रहते हैं। तो फ्रेंड कोई क्वेरी है तो नंबर पे संदीप जी हैं, उनका आप कॉल कर सकते हैं सेल्स टीम को, और विजिट करना चाहें कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, आने से पहले उनको कॉल कर लें। थैंक यू।